ये सर इंस्ट्रूमेंट का नाम है रावणहत्ता। रावणहत्ता क्यों बोले इसको? कि उस समय राम जी जो रावण की हत्या करके आए थे, नहीं उस समय कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो फिर स्वागत इसी से हुआ हुआ राम का। हमारा जो ओरिजिनल गोड है उसको बोलते हम बाबू जी महाराज। ऊपर पेंटिंग दी हमारे को, धंधा दिया उन्होंने। पहले उसको गाते थे, पूरी उसमें कहानी है, जैसे रामदेव जी की है, बाबू जी की है, भगवान की है, जितना देवता है पूरे वर्ल्ड में वो सब इसमें। पहले जो एक दिन अठे एक दिन बटे एक दिन बटे रही है, फिर था आज अठे वजन पार्टी गी, तो आज ये खेत में डेरा नाक लिया, तो आज वजन पार्टी अठे कर दिया। कल बट दूसरे गांव में तो डेरा लद्दर बट आगे जात रिया। ये बांस है, अभी ये मरा हुआ, अभी मैं इसको जिंदा कर रहा हूँ, ये बोलने लग जाएगा। सब वो सेट हुएगा तो सुरक्षित ही बाजेगा। ये मेरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हाँ बजाता हूँ, मगर ये मेरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये राजस्थान का मतलब बहुत ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है और राजस्थान की शान है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये बंद नहीं होना चाहिए और नहीं रुकना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये भी भगवान से दुआ करता हूँ, लोगों से ही कहता हूँ आप भगवान हो और ये ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है और इनको आप देखो सुनो और बजाओ। मेरे बच्चे है वो भी नहीं बजाते, मेरे भाई के वो भी नहीं बजाते, मेरे परिवार में 150-200 लोग है, मेरे परिवार कह रहा हूँ 3-4 लोग ये ऊंच करदर बजाती, और अभी का छोरे ये जो लोग है वो पसंद नहीं करते। नजर नजर नहीं लगती है, कोयला काला, तो ये क्या इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजेगा? सब लोग प्रसन्न करते हैं तो बच्चे खुश होते हैं कि पापा बजा रहे हैं, लेन देन काम कर रहे हैं, तो पापा भी आगे बढ़ रहा, पापा भी बढ़ सका, पापा अटे बैठे पापा आगे नहीं बढ़ सके, तो ये बच्चे भी ऐसे जानते हैं कि पापा ही ऐसे ही बैठे रोड पर बजा रहे हैं, टाइम पास कर रहे, तो आपा पापा लर नहीं जाओ, आपा ही खेती बाड़ी काम कर, जिसलिए लर रहे भले लोग बाग थोड़ा सी खुश हो जाते हैं, वो वीडियो कर रहे हैं, अरे नेट पर दे रहे हैं, अरे ऐसे दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है इस आजबाज के लिए।
एक दूसरा टच नहीं होना चाहिए, ऐसे देख रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग आया नहीं एक 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 देख बड़ा राउंड था कोई छुटकी लिया खाली मन बताना ही था भाई मत गाल शान पता ही मंडड़ गए काम की हाँ दुख वाला ही ये चमड़ा है बकरा का होटलों में आते टूरिस्ट वहाँ भी जाते जैसे शादी ब्याह लोग होते जैसे गार्डन में हो गया कोई घर पर फंक्शन हो गया तो वहाँ बुलाते वहाँ भी जाते वहाँ थोड़ा बहुत मतलब अच्छा 2 रुपया मिल जाते ऐसे इसमें से ही बनता आवाज मेन चमड़ा मतलब आवाज के लिए मेन चमड़ा होता है पट्टू कौन मंडा था हाँ सही है बहुत ताकत लगी है इसलिए अभी ये चल रहा है स्टूडियो प्रोग्राम चल रहा है वो ओरिजिनल नहीं है सही में नहीं है ओरिजिनल वो एक हाथ से इंस्ट्रूमेंट बनता है एक मेहनत से काम करते है आदमी गणपति कुत्ते ही ठोकर जा भगाइन कैसे रिया बालम हुआ घूमर हुआ घोरबंद हुआ जल्लो हुयो ये पुरानी आदे मतलब बहुत राजा महाराजा सुनते थे इसको अभी तो नया पिक्चर का बजा रहे हम क्या मगर लोग फीलिंग करते मगर ये जो ओरिजिनल ओरिजिनल होते ये किसी पिक्चर का गाना नहीं है सर 5,000 का बन रहा है ये और ये छोटा वाला 2,000 का मिली इनको देखता हूँ ऐसा लग रहा है मेरे पापा ही इनको हाथ का बनाया हुआ है इंस्ट्रूमेंट में मेरे लगन थी क्या मेरे पापा का मेरे दादा का मेरे परदादा का जो ये इंस्ट्रूमेंट है अपन भी ये काम करे मेरे पापा का इंस्ट्रूमेंट था एक ही था तो मैं कभी कभी हाथ लगाते पापा मेरे को डांटते थे फिर मैंने हट गया मैं यार पापा मैं मन ही दो एक तो मैं धीरे 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 बजाना चालू हुआ तो मेरे पापा कान पड़ गया यार ये भी बजाता मन के ये गाना बजा मगर मैंने ये पापा
समझ में नहीं आ रहा ये आपका गाना तो मैं क्या बजाऊंगा। मैंने कहा बेटा धीरे धीरे आ जाएगा, तो बाकी सीख गया थोड़ा बहुत, चाहे तो सीखता तो नहीं मगर सीख गया। मैंने बोला पापा एक दिन ये मैं बंद नहीं होना दूंगा। वो बहुत खुश तो बेटा कुछ नहीं होना देगा, बंद नहीं होना देना, ऐसे में बंद में उसके याद ये धीरे धीरे मतलब छुपती जा रही कला। मेरी एक उम्मीद है, मेरे चार बच्चे हैं एक लड़की है, मगर मेरे को मालूम है कौन ये चीज बजा सकते, वो बजा सकते तो गणपत बजा सकते। ऐसे जीवन में काई करनो, ऑफिस खोल के बैठ जा, कोई जीवन नहीं है इसमें। घर हम चलाते हैं, बच्चों को हम पालते हैं, हमारी जिंदगी चलाते हैं, हमारे को मालूम कैसे क्या हो रहा है, लोग बाग तो क्या जाना है। कलाकारी सुन लेगा दो मिनट कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमारा तो कुछ देखा ले अच्छे अच्छे में ये आगे बड़ बाम और कुछ नहीं, किसी को सुना भगवान नहीं सुनता तो और किसी को सुनाते, भगवान सब भी सुनता है। हाँ सुनता है, ऐसी जिंदगी में भगवान ना क्या की, अरे लोग तो कैसे जी रहे आप कैसे जी रहे। अरे यार वो तो कोई बदमाशी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, मगर अपन चोरी तो नहीं कर रहे। नहीं नहीं ऐसे नहीं सोचना कभी भी, मेरी बात सुन, अपन जो भी मिल रहा है वह सुखी से तो खा रहे, कोई लोग कितना पैसा कमा रहा वो दुखी है। लोग आते हैं तो क्या रहा बजो, हमारे को अच्छा लग रहा है हम बजाते हैं, कोई देखते नहीं सुनते नहीं, तो हमारा दिल टूट जाता है, हम फिर रख देते हो। तो अभी तो क्या ब्याह शादी होता था पहले वो साउंड वाला में भेजो, साउंड मतलब वो डीजे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हमारा वो सब भूल गए लोग। मैं पहले बचपन में नहीं गाती थी, और पापा ने मैंने बहुत सिखाया, मैं पापा को मुंडा कहने घूंघट काट बैठती तो सिखाता, मैंने कहता
के बेटा सीख, अब यहाँ गाबो नहीं हो, गाऊं तो रूम, हाँ पापा गान गाऊं तो रूम। बाबू जी तब मर गया क्यों नहीं बढ़ाया इसलिए बोल रहे मर गया वो खत्म हो गया तो क्यों आगे क्यों नहीं बढ़ाया अब आगे तो अपना नसीब तो जाना बाकी बारह गाल छोड़ दियो कर लिया आज मेरी बात सुन मेरी बात सुन आज शायद मैं तो आगे जाऊं नहीं जाऊं मगर लोग कितने कितने मेरी सुनता होगा क्या हाँ यार है अभी भी तो वो आगे ही है और कुछ नहीं अगर रावण था नहीं बजाते तो हम मर ही जाते मतलब रावण था तो हमारी जान है और हमारा शान है राजस्थान का ही अच्छा लगे क्या तो हमारे बारे में कुछ लिखे आगे सभी लोगों को बताओ यार ये भी एक मतलब कलाकार है और अभी कम हो रहा है तो इसकी वजह क्या है गांव में तो मतलब ऐसे हो गया कि बंद हो गया ये इंस्ट्रूमेंट लोग जानते ही नहीं बजा वगे क्या भूं भूं कर रहा है यार दिमाग खराब तो किसी लोगों ने बेचारे ने मेरे को बोला यार चल तू इधर चल ये बना ये लोग बहुत पसंद कर रहे बाहर का लोग पसंद करते ज्यादा और बम्बे गोवा हैदराबाद दिल्ली सब जगह घुमाऊँ सब जगह प्रोग्राम कराऊँ इंदौर गया इंदौर 3 साल रहा वहाँ से फिर आया राजकोट राजकोट मैंने 4-5 साल हो गया राजकोट रहा तब मेरे पापा मेरे साथ था वहाँ से आया मैं उदयपुर आया तो पब्लिक इतनी थी भीड़ लोग पैसे दे रहे खुश हो रहे और पानी का इंजॉय ले रहे जो सनसेट होता उस समय यह धीरे धीरे करके मगर यार अपन यहीं रुक जाते हैं और भगवान देगा जो भी यहीं फिर ये पत्रकार बेचारा मैंने अच्छा काम किया जो वो अखबार में दे के बड़ा दिया था भाई का पूरे उदयपुर में मतलब कि भाई यहाँ ऐसा कलाकार है धीरे धीरे काम चल रहा है वाह थोड़ा जम गया क्या सभी को याद रहेगा लॉकडाउन में तो बहुत दिक्कत आई मैडम बहुत दिक्कत आई क्या बता काम करना पड़ा खेती में मैंने जिंदगी में काम नहीं किया तो भी करना पड़ा क्या करें जैसे सोना हुआ चांदी हुआ जो भी है तो हम उसको गिरवी रख देते रकम होता हम रकम बोलते उसको इनकी 3-4 वो रकम गिर पे रखे हुआ पैसा बंद हो या नहीं जब दु परेशान त्रि हो रहा हद हो ज्यादा तो पुराना अपना पैसा नहीं मैं काम का अब नया चला नहीं जो दू वो गाना सुनाओगे मोदी जी बारे मारा मोदी जी क्या लेर चला दे रे बड़े बड़े रईसों की तू नींद उड़ा दी रे मोदी आता मेरे को बजा के सुनाऊंगा हम तो रोज कमाते रोज खाते
लॉकडाउन में कुछ नहीं है, पहले हम जैसे 1000 या 1500 कमा लेता, तो 200 रुपया टेम्पू का बट, और बेटा तो चाय पानी नाश्तो 100 रुपया हो जाता है, 1000-1500। फिर घर पर आते तो बच्चे को जो से दूध है पानी है बिस्किट है कुरकुरा वुरकुरा सो बच्चे को हो जाता है, यहाँ कर 500 रुपया खर्चा का भी निकल जाता है, 200 रुपया टेम्पू का निकल जाता है, फिर भी वो वहाँ को तो वो 200 रुपया खर्चो अलग ही, तो ही हम जैसे राशन पानी लेते हैं चाय है शक्कर है आटो है, तो उसमें कभी 200 बच जाते कभी 300। और सांवरिया में राम दीवानी मेरा दर्द न जाने न कोई, ओ सखी जी में परम दीवानी मेरा दर्द न जाने न कोई। इसका मतलब जो अंदर का दर्द है नहीं वो कोई नहीं समझते। बहुत बढ़िया।